Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. Namaskar, main hu Ravi Sharma aur aap dekh rahe hain First Bite TV. Sabha Mukhiya Akhilesh Yadav aaj kuch alag hi andaaz mein nazar aaye. 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान तो उन्होंने किया ही, साथ ही यह भी बता दिया कि यदि भाजपा ने उत्तर प्रदेश खो दिया तो वह दिल्ली को खो देंगे, भाजपा को यूपी में रोक देंगे तो देश बर्बाद होने से बच जाएगा। उनका इशारा साफ था कि देश की राजनीति का यूपी से होकर रास्ता गुजरता है। किसान आंदोलन को हवा देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाकर देश के किसानों को बर्बाद कर दिया है। यह सरकार केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, इसका आम लोगों से लेना देना नहीं है। इशारों इशारों में वह यह कहने से भी पीछे नहीं हटे कि जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं उन पर लाल टोपी बहुत जमती है। दरअसल अखिलेश यादव मेरठ के मवाना में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन से पूर्व अखिलेश यादव ने धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का भी अनावरण किया। जाहिर है कि इस अनावरण के जरिए सपा मुस्लिमों, गोजर व किसानों को साधने में लगी हुई है। हसनापुर विधानसभा सीट पर बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा का खासा दखल है। बसपा से निकाले जाने के बाद योगेश वर्मा साइकिल पर सवार हो गए हैं। माना जा रहा है कि यह ताजा समीकरण भाजपा व बसपा को कड़ी टक्कर देगा। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। किसान जाग गया है और किसान जानता है कि जब तक उसका हक नहीं मिलेगा तब तक किसान उस आंदोलन से पीछे हटने वाला नहीं है। मुझे खुशी इस बात की कि आज जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, जब आंदोलन में जरूरत पड़ी थी कि यहाँ के लोग पहुंचे तो यही के नौजवान भी वहां पर जाकर के समर्थन किए थे, यही अब्दुल प्रधान ने भी समर्थन किया था, यहाँ के नौजवानों ने भी समर्थन किया। परिणाम ये है जो समर्थन सब तरीके से सब तरफ से आने लगा, सभी राजनीतिक दल समर्थन करने लगे, सभी ने समर्थन किया उन किसान आंदोलन चलाने वालों का, किसानों का, और उसका परिणाम हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि ये कानून अच्छे नहीं है और 1 साल से ज्यादा पीछे कर दिए कानून। और हम तो कहते हैं कि आने वाले समय में बंगाल से चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो ये 3 कानूनों का पता नहीं लगेगा, भारतीय जनता कभी ये 3 कानून लागू नहीं कर पाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ अगर हस्तनापुर का ये इतिहास है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है तो मैं भी हस्तनापुर और यहाँ के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किए हैं, अगर सबसे बड़ी योजना और विकास में आगे ले जाना पड़ा तो हस्तनापुर सबसे पहले विकास में आगे जाएगा। बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा हो रहा है, बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा चुनाव चल रहा है। बीजेपी हर हथकंडा अपनाएगी, उनके पास विजन के नाम पर केवल टेलीविजन है, विजन के नाम पर केवल टेलीविजन है, कोई विजन नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे किया है और उत्तर प्रदेश अगर खोएंगे तो देश की राजनीति दिल्ली खो देंगे। इसलिए असली लड़ाई आपको लड़नी है, असली लड़ाई आपको लड़नी है और असली मना अगर कोई करेगा देश की तो आप करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे तो आप संविधान और देश बचा लेंगे। यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।